आप उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से। तो आज मैं आपके साथ जो ब्लॉग शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो अभी मैं ऑफिस में हूँ और मैं हमारे ऑफिस में एक डिपार्टमेंट होता है रॉ मिल सेक्शन, तो हम रॉ मिल सेक्शन में हैं। जो लोग सीमेंट इंडस्ट्री को जानते होंगे उनको पता है कि रॉ मिल क्या है, वो भी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगा। तो अभी मैं रॉ मिल के पास हूँ। रॉ मिल में एक क्लासीफायर होता है, डिवाइस लगी होती है, एक इक्विपमेंट होता है जिसका नाम क्लासीफायर होता है। तो अभी मैं बिल्कुल उसी क्लासीफायर पे हूँ। तो ये है क्लासीफायर और वो उसका गियरबॉक्स, नीचे उसका गियरबॉक्स है जिसकी हमें कपलिंग, टायर कपलिंग और गियर कपलिंग दोनों चेंज करनी है। मीनवाइल क्योंकि इम्बैलेंस हो रहा था तो अभी हम जो ये क्लासीफायर है जो क्लासीफाई करता है, जो सेपरेट करता है, जो मटेरियल जो है उसको सेग्रीगेट करता है, फाइन को अलग करता है और कोर्स को अलग करता है। तो इसका जो इम्पेलर है, उसका जो मोटर है, इसका जो इम्पेलर है उसमें दिक्कत है शायद, उसमें बियरिंग जो है उसकी बियरिंग भी गई होगी। तो अभी हम इसको इसकी जो डायमेंशन है, इसका जो साइज़ है, शाफ्ट का साइज़ है वो चेक करेंगे। तो ये हमारे लेथ अगे हैं, टर्नर है हमारे जो ये साइज़ चेक कर रहे हैं, इसका साइज़ चेक हो रहा है। तो अभी इसमें बेयरिंग से पहले एक लॉक लगा है तो उसको हम चेक कर रहे हैं कि वो लग रहा है जैसे ये एलन की बोल्ट है ये थोड़े बेंड हो गए। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, अभी इस साइड में हमारा जो आ रहा है 70 mm आ रहा है और इस साइड में जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो इसकी हाइट 5 mm इंक्रीज़ आ रही है। तो ये आपका 75 आ रहा है, इस साइड 70 आ रहा है और इस साइड आपका 75 आ रहा है, 75 mm। तो कहीं ना कहीं मतलब ये 5 mm दब गया है, इस साइड डाउन हो गया है। तो अब हम इसको अकॉर्डिंगली लॉक खोल के हम चेक करेंगे कि बेयरिंग ने भी कहीं, बेयरिंग में भी तो कहीं बेंड तो नहीं आ गया, एक साइड बेयरिंग दब तो नहीं गई है। तो अगर बेयरिंग दब गई होगी तो दैट मीन्स डेफिनेटली हमें बेयरिंग को सही करना होगा और उससे पता चलेगा कि बेयरिंग हमारी गई है या अभी बेयरिंग की लाइफ है। ये हमने इसकी बेयरिंग ओपन की है और इसको हम चेक करेंगे। तो ये हमने इससे बेयरिंग निकाली है इसकी क्या, और ऐसे तो लग रहा है ठीक है लेकिन वॉश करके पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, इस ठीक है कि क्या है, क्लियरेंस बता गई है। तो ये इसकी हाउसिंग है, बियरिंग हाउसिंग, और ये बियरिंग है और वो कप है, बियरिंग का कप है। वी विल चेक और हम देखेंगे कि वॉश करके, बियरिंग को वॉश करेंगे और उसको उसके बाद पता चलेगा कि बियरिंग में क्लियरेंस तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये है क्लासीफायर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी, ये रॉ मिल का क्लासीफायर है जिसको फीड यहाँ से मिल रहा है, फीड यहाँ से मिल रहा है इसको, और ये हमारा क्लासीफायर है। ये इसके साइक्लोन्स है, दो साइक्लोन्स है। तो इसी का जो क्लासीफायर का टॉप वाला जो शाफ्ट है, मेन शाफ्ट है रोटर, उसका बियरिंग हम चेक कर रहे थे वो सही है और उसके जो कप है, टॉप कवर है वो थोड़े बेंड हो गए हैं। तो अब हम उसको जो दो कप है वो उसको मशीनिंग करेंगे और वो नीचे वर्कशॉप में चले गए हैं अगर उनमें ज़्यादा दिक्कत है। अकॉर्डिंगली 5 mm का ही है तो मीनवाइल पता चलेगा कि हम उसको दोबारा से फैब्रिकेट करेंगे या उसी को मशीनिंग करेंगे, वेल्ड करके मशीनिंग करेंगे। तो साइमल्टेनियसली हम और एक काम कर रहे हैं, और एक काम है हमारा जो हमारा ये गियरबॉक्स है इसका, इसकी गियर कपलिंग है और इसको भी हमें चेंज करना है क्योंकि ये भी फ्री हो गया है, लूज़ हो गया है, इसका बोर थोड़ा एनलार्ज हो गया है। तो इसकी गियर कपलिंग भी चेंज करनी है और
जो मोटर से ड्राइव इसको मिल रहा है उसकी टायर कपलिंग भी चेंज करनी है, उसकी उसमें टायर कपलिंग लगी हुई है वो भी चेंज करनी है, और ये गियर कपलिंग FGC4 है वो भी चेंज करनी है, और वो ये काम चेंजिंग का काम हो रहा है। और ये है जो वो टायर कपलिंग थी, तो देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस ला सकूँ। अलग अलग टॉपिक्स पे बनाता हूँ, कोई मेरा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जिस पे मैं बनाता हूँ, मैं हर एक चीज़ पे ब्लॉग्स बनाता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और उम्मीद है आप शेयर करेंगे।